हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका दृष्टि फाउंडेशन की लीगल क्लासेस में। मैं एडवोकेट दृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ क्राइम्स के बारे में। ये एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्राइम से रिलेटेड, क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड सभी चीज़ें आती हैं। अलग अलग टॉपिक्स में इसको डिवाइड किया गया है, लेकिन आज जो हमने टॉपिक इसके लिए चूज़ किया है वो है अबेटमेंट। अबेटमेंट क्या होती है, उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्राइम के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके करने से वो क्राइम कहलाता है। तो क्राइम के अंदर क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो चीज़ इलीगल हो, अनलॉफुल हो, जो चीज़ ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो, सोसाइटी के अगेंस्ट हो, उसे हम क्राइम की कैटेगरी में डालते हैं। अब एक ह्यूमैनिटी को लॉस हुआ, किसी एक को मर्डर होने से ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट एक क्राइम है, ये सोसाइटी के अगेंस्ट एक क्राइम है। इसी वजह से ऐसे केसेस को स्टेट वर्सेस के नाम से रेफर किया जाता है। अब आज का जो टॉपिक है अबेटमेंट, उस पर आते हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब क्रिमिनोलॉजी में तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक आदमी को क्रिमिनल बनाती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने कोई ऐसा एक्ट किया जो कि इलीगल था तो वो क्राइम कैसे बनेगा, उसको हम क्राइम की कैटेगरी में किस तरह से लेके जाएं। अब मान लीजिए कि किसी ने कोई ऐसा काम किया जो कि कानूनी तौर पर नहीं होना चाहिए, वो इलीगल है, तो सबसे पहले उस आदमी को एक अक्यूज़ के तौर पर बुलाया जाने के लिए उस क्राइम की स्टडी को करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्या आता है, हम ये चेक करते हैं कि जिसने ये क्राइम किया उसकी उसके पीछे इंटेंशन क्या थी। इंटेंशन को चेक करने के बाद हमें ये देखना होता है कि उसकी उस क्राइम के पीछे उसका मोटिव क्या था। मोटिव के बाद हमें ये भी देखना होता है कि इन चीज़ों से, इंटेंशन और मोटिव को कंप्लीट होने के बाद, इसका ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, वो किस तरफ जा रहा है और उसको इससे क्या बेनिफिट होगा। तो ये तो हुआ कि हम किस तरह से एक आदमी को अक्यूज्ड ठहराते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्राइम के लिए। अब समझते हैं कि अबेटमेंट क्या है। तो तीन चीज़ें क्या थी, मोटिव, इंटेंशन और ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ों को मिलाकर अगर ये तीनों चीज़ें प्रूव हो जाती हैं, किसी ने अगर वो क्राइम किया है और हमें इसी तीन चीज़ों को प्रूव करना पड़ता है किसी भी केस को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाने के लिए या बोलने के लिए कि इन्होंने ये क्राइम किया था। तो अब हम समझते हैं कि अबेटमेंट क्या है। अबेटमेंट का मतलब होता है किसी को उकसाना या किसी को पुश करना, किसी को फोर्स करना कुछ ऐसा करने के लिए जो कि इलीगल है, अनलॉफुल है। तो इसका मतलब ये है कि हमने विलिंगली, मतलब जिसके थ्रू ये क्राइम हुआ वो खुद ये नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी के कहने पे, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, किसी के फोर्स पे ये काम हुआ, या फिर किसी इन्फ्लुएंस के अंदर ये काम हुआ, तो इसीलिए उस काम को अबेटमेंट कहा जाता है। जिसने ये करवाया उसको अबेटर कहा जाता है। तो अबेटर को आगे समझेंगे बाद में, अभी हम समझते हैं कि अबेटमेंट की मेयर मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो अबेटमेंट जो है वो आती है सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी के अंदर, जो कि इंडियन पीनल कोड है। तो 107 के अंदर जो ये सेक्शन आती है, इस प्रोविज़न के अंदर ये तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जो मेनली कवर करती है। तो पहला पॉइंट क्या आता है, पहला पॉइंट आता है इंस्टिगेटिंग अ पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी को इंस्टिगेट करना कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, अब वो ऑफेंस जो है वो अनलॉफुल है, वो लॉफुल ऑफेंस नहीं है, मतलब वो कोई लॉफुल काम नहीं था, एक गलत काम करने के लिए किसी को इंस्टिगेट किया गया। तो पहला पॉइंट ये कहता है। अब दूसरा पॉइंट आता है एंगेजिंग इन अ कॉन्स्पिरेसी टू कमिट इट। अब किसी क्राइम को करने के लिए कोई एक सिंगल माइंडेड भी कर सकता है, उसमें एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो वो कॉन्स्पिरेसी कहलाती है, किसी क्राइम को कमिट करने के लिए। अगर कोई एंगेज होता है उस कॉन्स्पिरेसी में कमिट करने के लिए किसी ऑफेंस को, तो वो भी अबेटमेंट कहलाएगी। अब थर्ड पॉइंट आता है इंटेंशनली एडिंग अ पर्सन टू कमिटेड। तो इसका मतलब ये है कि किसी को इंटेंशनली कंट्रोल करना, उसको डायरेक्ट करना कि किस तरीके से आप ये क्राइम कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें मिलाकर अबेटमेंट बनती है। अब हम इसके समझेंगे डेफिनेशन को। तो अब समझते हैं कि अबेटर क्या होता है। अबेटर वो होता है जिसने इंस्टिगेट किया था, जिसने पुश किया था, जिसने किसी को फोर्स किया था वो क्राइम करने के लिए, उसे हम अबेटर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसकी पनिशमेंट क्या है। इसकी पनिशमेंट आती है सेक्शन 109 आईपीसी के अंदर। तो जो अबेटर होता है
उसको उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जितना कि जिसने क्राइम किया है उसको भी। तो मतलब ये हुआ कि जिसने क्राइम किया और जिसने अबेटमेंट की, उन दोनों के लिए सेम ही पनिशमेंट बनती है। अब हम समझते हैं कि अबेटमेंट और कॉमन इंटेंशन के अंदर डिफरेंस क्या है। अबेटमेंट एंड कॉमन इंटेंशन, इसमें तीन डिफरेंसेस होते हैं जो कि मेजर डिफरेंसेस हैं, वही समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि अबेटमेंट अपने आप में एक क्राइम है, इसके लिए किसी और क्राइम को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअली इसको एक हम क्राइम बोल सकते हैं। लेकिन कॉमन इंटेंशन के लिए इस क्राइम का किसी और के साथ लिंक होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, दो लोग थे और किसी का मर्डर हो गया, तो अब वो जो दो लोग थे उन दोनों की इंटेंशन थी उस आदमी का मर्डर करने के लिए, तो कॉमन इंटेंशन आई। एक आदमी की कॉमन इंटेंशन हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो इंटेंशन कहलाएगी, लेकिन एक से ज़्यादा लोग जब हो जाते हैं किसी क्राइम के अंदर तो वो कॉमन इंटेंशन के तरीके से उस केस के अंदर इंडल्ज होते हैं। तो अब दूसरा जो मेजर पॉइंट है वो ये आता है कि जिसने अबेटमेंट की, मतलब कि जो अबेटर है, ये ज़रूरी नहीं कि वो सीन ऑफ क्राइम पे हो, लेकिन कॉमन इंटेंशन के अंदर उस आदमी का सीन ऑफ क्राइम पे होना ज़रूरी है।